बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके सामने हाजिर होते हैं रोज एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। हमारा चैनल का जो बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको डेली बेस पे या कोविड 19 में जो पैनिक टाइम में आपको मुश्किल हो रही है वीजा से रिलेटेड, आपको उसके बारे में ब्रीफ किया जाए। जो आज मैंने टॉपिक चूज किया है जिसके बारे में आपको रहनुमाई देना चाहेंगे ताकि आपके दोस्तों को शेयर कर सकें, वो है शेंजन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप उसको कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आपकी वीजा सक्सेस रेशो कैसे बढ़ सकती है। बात आगे करने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी जो आज की वीडियो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको एक अहम मालूम हो सके। देखें, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं शेंजन का, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीजा तब मिलता है जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है? ट्रैवल हिस्ट्री होती है कि आप किसी अपने आपको टूरिज्म, जब अपने आपको एज अ टूरिस्ट शो करेंगे तो आप उनको बता सकें कि हमारे पास ये कंट्री के वीजे लगे हैं, हम यहाँ से घूम कर आए हैं और हम मजीद घूमने के लिए इटली, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, इस कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए, हमें वीजा दिया जाए। वो तो बात की बात है कि आपको वीजा एम्बेसी देती है नहीं देती, लेकिन सबसे पहले जो बात है कि आपको वीजा अप्लाई करना है उसके लिए आपको कौन से कागजात चाहिए होंगे जिससे आपकी वीजा रेशो बढ़ सके। बहरहाल हम आगे बात लेके चलते हैं, डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? सबसे पहले तो आपकी जगह आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए ताकि वो आपके बिजनेस से या जॉब से मैच करे। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपके हर महीने इसमें अकाउंट में सैलरी आ रही हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें कम से कम आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हो कि आप शो कर सकें कि आप उसमें हैं। अब सवाल ये होता है कि इसमें पैसे कितने होने चाहिए? पैसे तो इतने होने चाहिए कि अगर आप जो अपनी होटल रिजर्वेशन करवा रहे हैं, टिकट रिजर्वेशन करवा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने आप पूरे कर रहे हैं कि उसके कम से कम 2 से 3 गुना पैसे आपके अकाउंट में ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप जाके वापस आएँ, अगले कोई इन्वेस्टर को लगे कि वाकई ये बंदा टूरिस्ट है, इसने जाके वापस आना है, इसके बाद अकाउंट में इतने पैसे हैं। आगे बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो अगला स्टेप आता है वो आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और जॉब डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका बिजनेस है तो आपके कम से कम अपने बिजनेस के टैक्स डॉक्यूमेंट्स, NTN डॉक्यूमेंट्स, आपका जो लेटर हेड है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को शो कर रहे हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा आपके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्स लेटर, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका लेटर होना चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और वहाँ से आपके पास एक परमिशन लेटर होना चाहिए कि आप फलां कंपनी में इस जॉब इस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, आपकी फलां सैलरी है और आप इतने अर्से के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, उनको परमिशन है आपको जाने की। इसके बाद आपका आता है अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका MRC। MRC क्या होता है? MRC होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है। अगर उसके बाद आपका आता है FRC। FRC होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। FRC दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका बीवी बच्चों के साथ, एक आपका होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई सिबलिंग्स के साथ। ये आपको दोनों अप्लाई करने, आपको दोनों साथ लगाने पड़ते हैं। उसके बाद मेजोरिटी जो होती है एम्बेसी शेंजन की यूरोप की, वो डिमांड करती है पुलिस डायरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको मिलता है आपके जो मुतलका थाना होता है कि इसका कोई आप किसी क्राइम में मुलविस नहीं रहे, आपका जो करेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप बिल्कुल साफ है, अप्लाई आप कर सकते हैं, वो आपको होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका आता है जो मेन चीज़ होती है आपकी होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इस जहाँ पर बैठे जाएंगे फलां तारीख को जाएंगे फलां तारीख तक, इस दौरान हादसा पेश आ जाए तो कंपनी आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कर रही है, आपको इंश्योर कर रही है जिसके आप जिम्मे आ जाएंगे। अगला स्टेप आता है आपका होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन से बात मिली है कि आपने जाकर जिस होटल में रहना है वहाँ आपकी बुकिंग हुई भी है, आपके इतने टाइम तक आपकी बुकिंग रिजर्वेशन हुई भी है, आपने वहाँ जाके रहना है। इसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेप आता है आपका टिकट रिजर्वेशन। टिकट रिजर्वेशन क्या होता है? टिकट रिजर्वेशन होता है ये कि आपने फलां तारीख से फलां तारीख तक, फलां तारीख को आपने जाना, फलां तारीख को आपने वापस इस कंट्री में आना है, ताकि अगर आप कंफर्म एक बात आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो बहुत अहम और जरूरी है वो ये बात है कि ये टिकट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन डमी होती है, ये कन्फर्म नहीं होती, ना इसको कन्फर्म करानी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके ये पैसे नाकाबले वापसी होते हैं, तो लिहाजा इसको आप जस्ट रिजर्वेशन में इसको कंफर्म कभी ना करें। ये है आपका हमारा टॉपिक। अगर इसमें आपने कोई बात पूछनी हो, कोई भी आपने कोई चीज़ पूछनी हो, हमसे डायरेक्ट रब्ता करें। हमारा फ़ोन नंबर है 03470505236236। और आपने अगर हमारा फेसबुक चैनल देखा जाए तो हमारा फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।